स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटिल खजाना में। तो डिफ्रेंस आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग की तरफ से रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और सिविल स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट ने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, उनकी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 14 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए और 2 पोस्ट है सिविल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसका फॉर्म कब से कब भरा जाएगा सभी बातों को चलिए हम क्लियर करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ इसके ऑफिशियल साइट से, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। उसके बाद लिंक, इसका ऑफिशियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके इसके ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा और वहाँ पर अपने फॉर्म को आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं, क्या इसका नोटिफिकेशन है, मतलब उसमें सारा चीज़ मेंशन है, कहने मतलब उसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारा चीज़ A to Z सब चीज़ें हैं। तो चलिए नोटिस को आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ चुका है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इस वैकेंसी डिटेल्स में हम देखते हैं और सारा चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 पोस्ट आई हुई है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल लद्दाख रीजन, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर लद्दाख रीजन में बात करें तो 9 पोस्ट है, कश्मीर रीजन की बात करें तो 5 पोस्ट है और लद्दाख रीजन सिविल स्टूडेंट की बात करें तो 2 पोस्ट है। अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 16 पोस्ट है टोटल। ठीक, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो डिप्लोमा स्टूडेंंट का इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन में UR का है 4, SC का है 4, EWS का है 1, एक्स सर्विसमैन का है 1 वैकेंसी। ठीक, सिविल स्टूडेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल लद्दाख रीजन में 2 पोस्ट है और UR का सिर्फ है 2, बाकी सब के लिए नील है। ठीक, आगे देखिए तीसरा रिक्रूटमेंट के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन में 5 पोस्ट आई हुई है, UR का है 5 वैकेंसी, SC EWS का 0-0 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन का है 1 वैकेंसी। ठीक, चलिए आगे नोट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा है, द कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट IDs 1, 2, 3 विल जनरली बी पोस्टेड इन पावर ग्रिड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे हम देखते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम ध्यान देंगे, उन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए ये क्वालिफिकेशन है, कहने मतलब है फर्स्ट पोस्ट जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल लद्दाख रीजन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर 3-year डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क फॉर UR EWS एंड पास्ट मार्क फॉर SC एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट। कहने मतलब 70% आप सभी का मिनिमम नंबर होना चाहिए अगर आप UR EWS के स्टूडेंट हैं तो, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, डिसिप्लिन देखिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। मैक्सिमम एज लिमिट हम बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए, तो 27 साल फॉर UR EWS स्टूडेंट और 32 साल फॉर SC स्टूडेंट के लिए। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, तो सेकेंड पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल लद्दाख रीजन के लिए, तो यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फुल टाइम रेगुलर 3-year डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क फॉर UR कैंडिडेट, सिविल स्टूडेंट होना चाहिए और 27 साल इनका मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन भी अप्लीकेबल है BTEC स्टूडेंट में, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC BE MTEC MAE ETC विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब है इस पोस्ट के लिए अगर BE BTEC के स्टूडेंट भी अप्लीकेबल है। आगे देखिए थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कश्मीर रीजन, फुल टाइम रेगुलर 3-year डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क फॉर UR, और यहाँ पे भी देखिए हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC BE MTEC MAE ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक, तो इनका भी एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके क्वालिफिकेशन आप समझ चुके होंगे क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आगे देखिए आप सभी की हम सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आप सभी की जो सैलरी होगी स्टार्टिंग 27,500 पर मंथ होगा और बेसिक पे, और यहाँ पे देख लीजिए ये आप सभी का OT वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, 25,000 आप सभी का सैलरी होगा इन द पे स्केल, और बाकी करने मतलब 25,000 से आप सभी की सैलरी लास्ट तक जाते जाते 117,500 होगा। ठीक, आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं, तो आप सभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आप सभी का रिटेन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 2 hours ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 2 पार्ट। आप सभी का रिटेन टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 पार्ट में 120 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के टेक्निकल से रिलेटेड, आप सभी के ब्रांच वाइज रिलेटेड यहाँ पे देखिए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन रहेगा आप सभी के नॉन टेक से,
नॉन टेक मतलब हिंदी, जीके, जीएस, ये इतिहास, भूगोल, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सभी क्वेश्चन इक्वल नंबर के रहेंगे। और रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन निगेटिव मार्क ऑफ 1/4। तो कहने मतलब भाई, एक क्वेश्चन को गलत करने पर आप सभी के 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियो को आप लोग रोक करके इसको भी रीड कर लीजिएगा। चलिए टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट सेंटर देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड एट श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़। तो आप सभी का जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, सेंटर की बात करें तो श्रीनगर जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा और चंडीगढ़ आप सभी का एग्जाम सेंटर जाएगा, ठीक। और देखिए हेल्थ की यहाँ पे चीज़ मेंशन कर रहे हैं, हेल्थ आप सभी का क्या होना चाहिए। और रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन, तो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे है, कितना आप सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 साल लिख रहा है OBC स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे ST स्टूडेंट का भी मेंशन है, तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट बना रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप सभी को जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आगे चलिए हम देख लेते हैं लास्ट में हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो इसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ, ऑफिशियल लिंक है ये, इस लिंक को हम चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी हम कर लिए हैं, ठीक है, चलिए कॉपी कर लिए हैं। अब इसको अपने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, आप लोग इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट पर जाइएगा और फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो करियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है, फिर ओपनिंग में जाना है, फिर रीजनल ओपनिंग में जाना है, फिर नॉर्थन रीजन सेकेंड में जाना है, जम्मू रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत आएगा तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, हाँ, क्या क्या चीज़ें मस्ट है करेंगे, मतलब आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे 10 चीज़ या मतलब 10 पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, तो इसको आप लोग रीड कर लीजिए। यहाँ पे लिख रहा है स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 50 KB इन JPG फॉर्मेट, स्कैंड सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं DOB की जगह पे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ठीक है। पाँचवा देखिए, कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU और कास्ट सर्टिफिकेट, तो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आगे चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट, हाँ, अब बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की और डेट की। तो देखिए इसका जो फीस होगा, अप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब अच्छा अप्लीकेशन फ़ीस है, 300 रुपये होगा और नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल मतलब आप सभी का पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। SC ST PWD एक्स सर्विस मैन सभी स्टूडेंट का जो पैसा ये होगा, मतलब इनका देखिए OBC और जनरल का 300 रुपये होगा, SC ST PWD एक्स सर्विस मैन स्टूडेंट का जो फीस होगा वो फ्री होगा, एप्लीकेशन फी फ्री। देखिए कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस, माने इस SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के कैंडिडेट स्टूडेंट फीस नहीं लगेगा, करें मतलब उनका फ्री रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 21/3/2022, जैसा कि आज आप सभी का 21 तारीख है और आज से आप सभी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप अपना फटाक से फॉर्म भर सकते हैं, इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। और ये कब तक फॉर्म भरा जाएगा, पॉइंट नंबर 2 देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 20/4/2022, चौथे महीने की 20 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो और आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी दे रहा है, कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन 20/4/2022 तक, और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जून के मंथ में होगा। एग्जैक्ट डेट अभी मेंशन नहीं किया है, बता दिया है नियर अबाउट कि जून के मंथ में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट था उन्हें हम कवर कर लिए हैं डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड हमेशा वीडियो पाने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए हम जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड वैकेंसी को नोटिफिकेशन अपडेट रहता है उन्हें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए वैकेंसी एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।